नमस्कार भक्तों भक्तों, कांवड़ यात्रा 2021 के दौरान महिलाएं रखें इन पांच बातों का ध्यान, भोले बाबा हो जाएंगे प्रसन्न। तो आज की वीडियो है महिलाओं के लिए। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट्स करके बताइए आप ये वीडियो किस राज्य शहर से देख रहे हैं और आप कांवड़ यात्रा इस बार किस जगह पर ले जाने वाले, हमें कमेंट्स करके जरूर बता दें ताकि हम आपको उसके बारे में सारी जानकारी दे सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अब इस पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और श्रद्धालु को इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए, कौन सी वो पाँच बातें जो महिलाओं को जानना इस साल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, चलिए बताते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। कांवड़ यात्रा 2021 को लेकर भोले बाबा के भक्त बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि कांवड़ियों की इस टोली में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल रहती हैं। ऐसे में आपको पांच ऐसी जरूरी बातें ध्यान दे जो यात्रा के दौरान हर महिला कांवड़ को ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर एक, फैंसी चप्पल ना पहने। यात्रा के दौरान हर महिला कांवड़ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पैरों में पहनने के लिए ऐसी चप्पल का इस्तेमाल करें जिससे उनकी यात्रा खराब होने की जगह सुगम बने। ऐसे यात्रा के दौरान फैंसी चप्पल की जगह आरामदेह चप्पलों का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर दो, गहने पहनकर ना करें यात्रा। कांवड़ यात्रा 2021 के दौरान हर महिला कांवड़ को गहने पहनकर यात्रा करने की गलती करने से परहेज करना चाहिए। आपके ऐसा करने से आपकी सुरक्षा और जान के को खतरा हो सकता है। नंबर तीन, जरूरी दवाइयां रखें साथ। ये नियम महिला हो या पुरुष हर किसी पर लागू होता है। यात्रा के दौरान ये निश्चित कर लें कि आपके पास आपकी जरूरी दवाइयां मौजूद हो। यात्रा के दौरान ये जरूरी नहीं आपकी दवाइयां हर जगह मिल सके। नंबर चार, आरामदायक कपड़ों का करें चुनाव। कांवड़ यात्रा के दौरान टाइट कपड़ों की जगह ऐसे कपड़ों का चुनाव करें जिससे आपको चलने में दिक्कत महसूस ना हो और आपकी यात्रा सुगम बनी रहे। नंबर पाँच, अपनी सुरक्षा के लिए आप खुद जिम्मेदार। कांवड़ यात्रा को लेकर भले ही प्रशासन ने कड़ी तैयारियां कर रखी हैं लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान आपको खुद रखना चाहिए। यात्रा के दौरान अपने ग्राम जत्थे समूह के लोगों के साथ ही रहने का प्रयास करें। अपने साथ पहचान पत्र अवश्य रखें। इसके अलावा एक कागज पर अपना फ़ोन नंबर और अपनी फैमिली में अपने घर का किसी का फ़ोन नंबर, साथ ही कांवड़ का फोन नंबर भी अपने बैग में रखकर चले। तो भक्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान इन पांच बातों का बखूबी ध्यान रखना चाहिए, आपकी सेहत के लिए और आपकी रक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।